मैं उषा तिवारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए भक्तजनों मेरे, ये बैसाख माह में जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि इसी दिन विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके सब जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय मोहिनी का रूप धारण करके आए थे और देवताओं को अमृत पान कराए थे। तो मोहिनी एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। ये साल में एक बार आता है। जैसे कुछ एकादशी है जिसको करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है, आमला एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, भीमा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, ऐसे ही ये मोहिनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, कामिनी एकादशी, ये कुछ जो एकादशी हैं साल में पड़ती हैं एक बार, तो उसे जरूर करना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में देखिए उठना चाहिए। उस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, संभव हो तो। ये बैसाख महीना बहुत ही पावन महीना है, इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये महीने भर का प्रातः स्नान का समय है। बैसाख माह स्नान का, जैसे माघ कार्तिक वैसे ही ये बैसाख। तो बैसाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें नहीं तो अपने घर के बाल्टी में ही गंगा जल डाल करके स्नान किया जाता है। और उसके बाद फिर सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद विष्णु भगवान का विशेष लक्ष्मी सहित उनकी पूजा विधि करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है, जो आर्थिक तंगी दूर होती है। एकादशी व्रत करने से सारा मनोरथ पूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि पाप कर्म से भी छुटकारा मिल जाता है, जो हजारों तपस्या करके भी नहीं मिलता वो एकादशी व्रत करने से हमें मिल जाता है। तो एकादशी व्रत, ये मोहिनी एकादशी व्रत है, वो 1 मई को रखा जा रहा है। 1 मई को व्रत, जैसा कि दशमी तिथि से ही एकादशी का नियम लागू हो जाता है और वो द्वादशी तक चलता है। तो पारण के समय, पारण का शुभ मुहूर्त जरूर जाने और शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। पारण करने के लिए भी पहले ब्राह्मण को दान निकाल दें और शुद्ध देसी घी का भोजन तैयार करके विष्णु भगवान को समर्पित करके पारण करें। उस दिन दान देने का विशेष महत्व होता है, तो दान अवश्य दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। अन्न दान इस महीने में सत्तू का दान विशेष महत्व रखता है। अगर सत्तू का दान करते हैं तो विष्णु भगवान को अति प्रसन्नता होगी। विष्णु भगवान को भी सत्तू का भोग जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु भगवान आए थे और देवताओं को अमृत पान कराए थे, तो इसलिए ये मोहिनी एकादशी तब से इसी बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन वो प्रकट हुए थे। तो मोहिनी एकादशी व्रत जो भी करता है उसका सारा मनोरथ पूर्ण हो जाती है, कुछ भी नहीं बाकी रहता और मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी व्रत में जरूर रात्रि को जागरण करें। जागरण करने का विशेष महत्व है। जागरण करें और हरि कीर्तन में, ना कि जागरण करें तो टीवी पिक्चर देखते रहें, ये सब नहीं, भजन कीर्तन में ही रात्रि व्यतीत करें। हो सके तो इस मंत्र को सदैव अपने जिह्वा पर धारण कर लें, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इस मंत्र को अगर करते हैं तो राधा कृष्ण दोनों का ही मंत्र हो जाता है, इससे कान्हा का भक्ति प्राप्त होती है। अगर जो एकादशी ये व्रत रखता है उसका मनोरथ पूर्ण होता ही है और कान्हा की असीम कृपा से उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, संभव होता है कि उनका दर्शन भी मिल जाए। तो देखिए ये मोहिनी एकादशी मिस न होने पाए, 1 मई को रखा जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करें। हाँ, एकादशी के व्रत रखने से
और कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, पूर्णता प्राप्त होता है कथा श्रवण करने से। तो कथा मैं अवश्य अगले वीडियो में डालूंगी, कथा जरूर सुने या पढ़ें, किताब हो तो पढ़ें भी, लेकिन श्रवण करना बहुत ज़्यादा लाभ देता है, तो श्रवण जरूर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करें, वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर करें अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, ताकि सबको मालूम पड़े कि एकादशी कब है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, मोहिनी एकादशी का सबको शुभकामनाएं। श्री राधे।